This is not a strong device. इधर गरीब लोग भूखे मरे जा रहे हैं और यहाँ फोन तोड़े जा रहे हैं, मतलब फोन तोड़ दिया, सच में तोड़ दिया। तो यार कंट्रोवर्सी के किंग मिस्टर टेक्निकल गुरुजी एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में, और ये कंट्रोवर्सी किसी यूट्यूबर के साथ नहीं है, ना ना ना, इस बार ही भाई साहब ने पंगा लिया है एक ब्रांड के साथ, और कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं, जाना माना ब्रांड, इंडिया का फेमस ब्रांड शाओमी। और भाई साहब ने किया क्या है देखते हैं, ट्राई करते हैं इस फोन को बेंड करने का और देखते हैं कि ये जो फोन है ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको चलो स्क्रीन को ऑन छोड़ देते हैं और मैं दोस्तों एक बार करता हूँ ट्राई बेंड करने की इस फोन को। काफी सिग्निफिकेंट ये बेंड है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ अपोजिट साइड से कि ये जो है वो कितना स्ट्रांग रहता है या जो भी है, एक बार ट्राई करता हूँ और इस तरफ से। यार ये तीन तीन जगह से दोस्तों फोन जो है वो क्रैक हो चुका है, आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे काम हो रहा है, मतलब स्क्रीन जो है वो काम कर नहीं रहा है, फोन बटन दब रहा है। ओके दोस्तों ये फोन जो है ना ये दो टुकड़ों में हो रहा है भैया, दिस इज नॉट अ स्ट्रांग डिवाइस। तो ये था वो वीडियो जो कुछ दिनों पहले टेक्निकल गुरुजी ने अपलोड किया था, भाई साहब ने बेंड टेस्ट किया और फोन टूट गया बेंड टेस्ट में। तो देखो बेंड टेस्ट में क्या होता है, फोन को बेंड करके तोड़ने की कोशिश की जाती है, तोड़ा नहीं जाता, ना ना ना, कोशिश की जाती है, लेकिन भाई साहब ने कोशिश करते करते तोड़ दिया। पर लेकिन बेयर हैंड से फोन की ये हालत होना, मेरे में कोई इतनी ताकत नहीं है। काफी सारे लोग ऐसा करते हैं ताकि व्यूज आए, क्योंकि पैसे चाहिए पैसे और किसे नहीं पसंद। तो भाई साहब टेक्निकल गुरुजी ने भी ये चीज किया और उन्होंने शाओमी के साथ किया, रेडमी नोट 7 के साथ, एक ऐसा फोन जो अभी तक इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि गुरुजी को पैसे नहीं मिले इसलिए उन्होंने ऐसा किया, ना ना ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, मैं बस बता रहा हूँ कि पैसे नहीं मिले इसलिए किया। देखो हो सकता है कि वो पैसे चार्ज करते हो और भाई साहब की इतनी बड़ी जो रीच है, ठीक है चलता है स्पॉन्सर्ड कंटेंट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे तो आप फोन तोड़ दोगे। मुझे पता है मैं कुछ भी करूंगा तुम लोग भड़क जाओगे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलने वाला। चलिए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है इस बारे में। दोस्तों देखिए कोई भी यूट्यूबर, चाहे वो मैं खुद अगर ये टेस्ट करूंगा तो वो मैं ऐसा टेस्ट क्यों करूंगा या कोई भी ऐसा टेस्ट क्यों करता है, तो इसका सिंपल आंसर है एक पब्लिसिटी स्टंट और अपनी एक वीडियो को वायरल करने के लिए, कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग आके देखें और उनकी ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। ये वो वीडियो है जो हमारे गुरुजी ने खुद 2 साल पहले बनाई थी और उन्होंने ये शब्द कहे थे। फोन क्यों बेंड होगा, वो बेंड नहीं होगा, कितना जोर लगाया है तब जाके वो टूटा है, और ऐसे तो कभी फोन टूट जाएगा। अब इसमें गलती किसकी है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई साहब मुझे तो वीडियो पसंद है और हो सकता है फोन टूट गया, फोन कमजोर बनाया, शाओमी वालों की गलती है, तुम फोन कमजोर बनाओगे तो हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी गलती है, तुम फोन सही से बनाओ ना, बोलते हो कि हमने टेस्ट किया ये किया वो किया और फोन कमजोर बना देते हो, एक बार बेंड करने टूट जाता है। हो सकता है कि गुरुजी की ताकत एक आम इंसान से ज्यादा, और भाई साहब गुरुजी हैं, गुरुजी की ताकत कुछ भी हो सकती है, उनकी ताकत थोड़ी सी उन्होंने लगाई और टूट गया, तुम्हारी गलती है, तुमने फोन इतना कमजोर बनाया, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ढंग का फोन बनाओ, मजबूत बनाओ, बोलो मत वैसा कि हमने मजबूत बनाया, अगर नहीं बनाते हो तो, अगर बना रहे हो तो ढंग से बनाओ, तुम्हारी गलती है, हम क्या करें इसमें। इंसान में बहुत ताकत है, बहुत ही नो स्ट्रेंथ होती है, और अगर आप ठान लें, अगर आप ये जान लें कि आपको इसको तोड़ना ही है, आप इसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू ब्रेक इट, बिकॉज आपको वीडियो में वही दिखाना है कि देखो मैंने जोर लगाया और ये फोन टूट गया, तो इवेंचुअली आप वैसी वीडियो बना लेंगे और फिर वो वीडियो क्या होता है कि वायरल हो जाती है, और उस वीडियो को चाहे कोई इंसान को फोन पसंद हो या ना हो, टेक पसंद हो या ना हो, ऑलमोस्ट छोटे बड़े बूढ़े सभी टाइप के लोग जो है वो उस वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से एंटरटेनमेंट बन जाती है, ना कि टेक्नोलॉजी। अब न्यूज ये भी है कि शाओमी वालों ने गुरुजी को बैन कर दिया डिवाइसेस भेजने में, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बताता हूँ कि जो यूट्यूबर्स हैं वो मीडिया में कंसिडर किए जाते हैं और सारे ब्रांड जो है कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, कोई भी डिवाइस लॉन्च करते हैं, तो मीडिया को भेजते हैं कि हमारी कवरेज दो, हमको कवरेज दो, अनबॉक्सिंग रिव्यूज बनाओ, थोड़ा सा पॉपुलैरिटी गेन करने दो। लेकिन अब शाओमी वालों ने बैन कर दिया, तो भाई साहब वीडियोस कहाँ से बनाएंगे वैसे भी, क्योंकि हर एक को शाओमी के फोन तो पसंद है, और लोग तो कहते हैं ये भी कि गुरुजी के गिवअवेज भी नकली होते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, ना ना ना, लोगों का कहना है, मैं तो भाई साहब दूर हूँ, पता नहीं मुझे। इसमें देखो गलती किसी की नहीं है, गलती भोलेनाथ की है। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, लोग जलते हैं गुरुजी से इसलिए ऐसा बोलते हैं, हो सकता है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लोग जलते हैं कुछ भी हो सकते हैं, गुरुजी की पॉपुलैरिटी से सब लोग जलते हैं, भाई साहब हो सकता है कि नेगेटिविटी फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन भाई साहब प्रूफ तो हमारे सामने कि गुरुजी ने वीडियो में फोन तोड़ा, और पहले उन्होंने ऐसे ही बोला था कि फोन तोड़ते क्यों है एक पब्लिसिटी स्टंट। मैं कुछ नहीं बोल रहा, हमारे एक्सपर्ट ने कह दिया, हमारे गुरुजी ने कह दिया, वही बातें दिल और दिमाग में फिट हो गई, हम कुछ नहीं बोलते ना कुछ हम सोचते, भाई साहब हम तो भक्त है, हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हम कुछ सोच ही नहीं सकते, भक्ति जिंदाबाद भोलेनाथ की।
तो यार आज के लिए बस करता है ना, वीडियो छोटी है क्योंकि टॉपिक भी छोटा था और मुझे पता है इस टॉपिक पे व्यूज आएगा, इसीलिए तो बना रहा हूँ वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।